नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं भारतीय किसान चैनल और जो मोबाइल पे देख पा रहे हैं ये देसी लहसुन है, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो किसान भाइयों, हम आज बात करेंगे लहसुन की संपूर्ण जानकारी, A to Z जानकारी, जिससे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी और हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, हम आज बात करेंगे लहसुन की पूरी संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो किसान भाइयों, आप जैसे देख सकते हैं अभी ये लहसुन में जो पिलासपन दिखाई दे रहा है आपको, ये पिलासपन अधिक कोहरे के कारण इसकी जो नोक है ये इसमें पीलापन आ चुका है और जो नोक है इसकी ये जल गई है। तो जलती कैसे किसान भाइयों, ये जब कोहरा अधिक पड़ता है, ठंड पड़ती है, तो इसमें जो नमी रहती है अंदर नोक पे ये जम जाता है और जमने के बाद में जब जैसे धूप खिलती है तो ये गर्म होकर जब पिघलती है तो इसकी जो नोक है ये जल जाती है। तो देख सकते हैं किसान भाइयों आप, और इसमें जो कंद का साइज है, कंद बनने भी लग गया है किसान भाइयों, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो किसान भाइयों, हर किसान की समस्या होती है कि उसके लहसुन का कंद साइज बड़ा नहीं हो पा रहा है। तो अभी किसान भाइयों की लहसुन लगभग 90 से 100 दिन के आसपास पहुंच चुकी है, तब जाके किसान भाई एक दूसरे के लहसुन देख कर कहते हैं सामने वाले की लहसुन तो बहुत अच्छी है और हमारी लहसुन थोड़ी हल्की है। तो किसान भाइयों, आपको अगर अच्छी लहसुन पैदा करना है तो आपको सभी तरह के मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता लगती है। तो किसान भाइयों, जब आप शुरुआती में जब लहसुन लगाओ तभी आपको अच्छा फंगिसाइड और कीटनाशक से अच्छे से उपचार कर लो, जिसके बाद में आपको लहसुन को खेत में लगाना चाहिए। इससे फायदा यह होगा आपकी ज़मीन में जो कीड़ा है और जो जड़ सड़न रोग रहता है, ये सभी समस्या आप बीज उपचार में कर लोगे तो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और मुख्य पोषक तत्व DAP, पोटास, सल्फर, तो ये आपको जब आप बेसल डोज देते हैं, शुरू लहसुन लगाते हैं तभी आपको खेत में दे देना है। और किसान भाइयों, जब आपकी लहसुन 30 से 35 दिन की हो जाए, तब आपकी लहसुन निंदाई गुड़ाई के आसपास पहुंच जाए, तब आपको बेसल डोज के साथ में मुख्य पोषक तत्व आते हैं जैसे जिंक, बोरोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व द्वितीय श्रेणी में जो पोषक तत्व आते हैं, मैग्नीज, सल्फ, कैल्शियम, ये भी आपको निंदाई के समय आपको दे देना है, जिसके कारण आपका लहसुन का कंद इस टाइप का तना आपको दिखाई देगा, जैसे ये लहसुन में दिखाई दे रहा है। ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व के कारण दिखाई दे रहा है किसान भाइयों। इसी में हमने सभी मुख्य पोषक तत्व, सभी तत्व इसमें हमने दिए हुए थे। एक बात बताऊं किसान भाइयों, हमने पहले जब लहसुन लगाया करते थे हम तो पहले DAP और यूरिया दिया करते थे, जिससे लहसुन का कंद बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन पाता था। हम एक दूसरे किसान से जानकारी लेते थे, तब जाके हमें कुछ नॉलेज मिला, तब जाके किसान भाइयों लहसुन हम सही से पैदा करने लगे हैं। और ये देख सकते हैं आप, कहीं लहसुन का पौधा उगने लगा है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे थे अभी। और किसान भाइयों, ये उगने की समस्या ज़्यादातर कई बार क्या होता है, किसान ज़्यादातर खाद वर्ग उर्वरक दे देता है, जिसके कारण भी लहसुन में फुटाव चालू हो जाता है। और एक समस्या और भी रहती है इसमें, किसान भाई जब लहसुन में आने जाने का काम करता है, पानी रिलाई मिलाई छोड़ता है, तब जाके किसान के जो पैर से जो लहसुन मच जाती है उस, और वो नीचे से टूट जाती है, जिसके कारण भी लहसुन का फुटाव देखने को मिलता है। देख सकते हैं किसान भाइयों, ये लहसुन हमारी, इसका जो कलर है कुछ नोक इसकी पीली सी दिखाई दे रही है, बाकी सब कुछ इसका ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, निंदाई के बाद में अपने मुख्य पोषक तत्व दे दिया, जिसके बाद में आपको
पानी कम से कम 20 से 22 दिन के बाद ही लगाना है। और क्यों लगाना है, जिससे क्या होगा, आप जो मुख्य पोषक तत्व में जो फिप्रोनिल जो करके आता है दानेदार, 70% WG, और थाइमेथोक्सम, ये आपको दानेदार फॉर्म में लेकर आना है। और उसी को निंदाई के समय आपको देना है। तो इससे क्या होगा, जो जमीन सूखने का बाद में जब आप खाद ये देंगे, ये दवा इल्ली मार जो है आप दोगे, तो इससे ये रहेगा कि जहाँ सूखा है ये पानी जहरीला जो रहेगा दवाई वाला, ये जहाँ सूखी गा रहे वहाँ तक भी पहुँचेगा। तो जहाँ तक भी जो कीड़ा है, जहाँ तक भी सूखी जगह है वहाँ तक भी जो कीड़ा रहेगा ये सारा समाप्त तो हो जाएगा। इससे जो लहसुन की जड़ सड़न है, जड़ में जो इल्लियाँ हैं, ये सब समाप्त तो हो जाएंगी। तो जिसके कारण आपकी लहसुन की ग्रोथ एक नंबर चलेगी। अब जिसके बाद में आपको कम से कम 50-55 दिन के आसपास में आपको एक फिर से कीटनाशक देना है, फंगिसाइड दे देना है, एक टॉनिक दे देना है। इससे क्या होगा कि आप में लहसुन में जो जलेबी रोग है, जलेबी रोग नहीं बनेगा। ये जलेबी रोग 55-60 दिन के आसपास ही देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, ज़्यादातर ये जब थ्रिप्स जन्म लेती है तभी आपको ये दिखाई देगा। थ्रिप्स क्या करती है, जब पौधे के अंदर उतर जाती है, तो जब पौधा का जो पत्तियां रहती है, जब वो बाहर निकलती है तो घूमती हुई निकलती है। तो किसान भाइयों, तो 55-60 दिन के आसपास आपको एक कीटनाशक फंगिसाइड और टॉनिक दे देना है, जिसके बाद में आपको 15 दिन के बाद फिर से पानी देना है, जिसके बाद में आपको फिर एक फंगिसाइड कीटनाशक आपको दे देना है। तो इस तरह से किसान भाइयों, लहसुन का ग्रोथ शानदार चलेगी, आपके लहसुन में पीलापन की शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। किसान भाई, जब आपके लहसुन 80 से 90 दिन की अवस्था में जब पहुंच जाए, तो आपको एक बोरोन आता है जो आपके लहसुन के कंद को चिकनापन और खिलने नहीं देगा, और वजन बढ़ाएगा, पोंछा नहीं होने देगा आपके लहसुन के कंद को। तो ये बोरोन का महत्व है, और बोरोन को आपको देना है। इसी के साथ में आपको एक लियोसिन देना है, जो आपके लहसुन में जो जो आपने खाद वर्ग जो लागत तो उसमें लगाई है, जो भी पौधे ने जो भी खाया पिया हुआ है, जो उसने उर्वरक जो लिए हुए हैं, वो सब कुछ वो कंद को प्रदान करेगा। तो ये लियोसिन ऐसे कार्य करता है, और बोरोन चिकनापन को भी लाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।